नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले तक घर की बुजुर्ग महिलाएं अपने तजुर्बे से बता पाती थीं कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टरों के पास जाकर यह जानकारी मिलने लगी, लेकिन आज के आधुनिक समय में हर मेडिकल स्टोर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलने लगी है, जो मिनटों में बता सकती है कि उसे इस्तेमाल करने वाली महिला प्रेगनेंट है या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यह टेस्ट कब किया जाना चाहिए। असल में महिला के यूरिन में मौजूद एक हार्मोन HCG की मौजूदगी से पता चलता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। यह हार्मोन तभी शरीर में पैदा होता है जब निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से खुद को जोड़ लेता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पीरियड के मिस होने के एक हफ्ते बाद जब महिला अपने पीरियड्स तय समय पर मिस कर जाए, उसके एक हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाना चाहिए। इस समय तक शरीर में HCG की इतनी मात्रा होती है कि जिसे यूरिन के जरिए किए जाने वाले टेस्ट से जांचा जा सकता है। अगर आप इससे भी पहले जांचना चाहती हैं तो सेक्स के कम 2 हफ्ते के बाद टेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुबह जब आप पहली बार यूरिन करने जाएं, उसमें HCG की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट नेगेटिव आए तो परेशान न हो। कभी कभी घरेलू किट इसे नहीं पकड़ पाती, ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है। टेस्ट के अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनके आधार पर प्रेगनेंसी का अंदाज लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि ये किसी मेडिकल टेस्ट के विकल्प नहीं है, इसलिए पूरी तरह आश्वस्त टेस्ट के बाद ही हुआ जा सकता है। ये लक्षण हैं, आप पीरियड मिस कर जाएं, पेट में पीरियड्स की तरह ऐंठन हो पर पीरियड शुरू न हो, कुछ अजीब सा लगने लगे जैसे जी वगैरह मिचलाने लगे, खाने में अरुचि हो, थकान होने लगे, तो ऐसे सिम्टम्स होने पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।